हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही काम की चीज शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं तो दो मिनट के लिए रुक जाइए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके फैसला लीजिएगा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगी कि मत खरीदो, ट्राई करके देख लो। क्योंकि मैंने और भी चीजें मंगाई हैं ऑनलाइन, पर्पल से ही लगा लो, ये भी पर्पल से ही मंगाया मैंने। तो एनवाई बेकर लिप क्रियोन्स था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसमें भी एक जो चीज थी, जो गलत चीज लगी मुझे उसमें, उसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था। वो इतना सा लिप क्रियोन्स आगे जो होता है उसके बाद वो शॉप नहीं होता। तो पर ये था कि वो कलर वगैरह अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम हुई। इसको मंगाए हुए मुझे एक से डेढ़ महीना हो चुका है और मैंने इसको इस एक डेढ़ महीने में मैंने इसको 4 या 5 बार लगाया होगा मुश्किल से, क्योंकि मेरे को इसे मैं पहली बार लगाया मुझे लगा कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा, दूसरी बार लगाया तब भी यही सोच लिया, फिर मैं मुंह वॉश करने लगी थी अपना, इसे लगाया फिर फेस वॉश किया, इसे लगाया, पर ये मुझे एक बार भी पसंद नहीं आया किसी भी चीज में, बिल्कुल बकवास है। अगर आप लोग सोच रहे हैं इसको खरीदने का तो कोई बात नहीं, आप खरीद कर खुद भी देख लीजिए। मैंने ये किसको देख के मंगाया, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो कभी इसका बताते हैं कभी उसका बताते हैं, मैंने कहा चलो ये मैं भी मंगा लेती हूँ, पर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे तो इसे लगाने के बाद कई बार मुझे खारिश भी हुई है। तो देखिए आप पूरा देखिए, पूरा भरा पड़ा है ये, मैंने बिल्कुल इतना सही यूज किया होगा, क्योंकि हम फाउंडेशन वगैरह रोज तो लगाते नहीं है, ये कभी कभी ही लगा पाते हैं हम। चलो भाई मार्केट जा रहे हैं आज लगा लेते हैं, या गुड्डू के उस दिन स्कूल गई थी पहले मैंने इसको ही लगाया था, लेकिन फिर मैंने फेस वॉश करके अपना दूसरा लगाया था। इसको लगाना एक चिपचिपा सा हो जाता है फेस, बिल्कुल भी अपने आप को ये लगता है कि फेस पे कुछ है अजीब सा, चिपचिपा सा कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा है। आप लोग देख सकते हैं, मंगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं मंगाना चाहते हैं तो भी ठीक है। और मैं एक बात बोलूंगी यार, ये यूट्यूबर्स जो भी हैं उनको प्रमोशन के लिए मिलता है, मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत की है मिलना भी चाहिए, लेकिन यार थोड़ा बहुत सच भी बोल दो। आज वो बोलते हैं कि ये अच्छा है, कल वो बोलते हैं एनवाई भी अच्छा है, परसों बोलते हैं पाम अच्छा है, तो पाम ही बोलते हैं ना उसको, प्लम कुछ ऐसे करके एक और कंपनी है वो अच्छा है, कभी निव्या अच्छा है, तो समझ में नहीं आता कि क्या अच्छा है। तो एक चीज पर अगर वो लोग भी टिके रहे हैं, एक हफ्ते तक किसी और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, फिर दूसरे हफ्ते किसी और प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, मैं आपको यही कहूंगी कि इसको मत खरीदना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इससे बढ़िया आप मार्केट चले जाना, कोई छोटी मोटी कंपनी का खरीदोगे उससे दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही बेकार है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया है, फालतू की गप गप बक बक करने से अच्छा है दो लाइन में बात खत्म कर देते हैं, मैं इसको फेंकूंगी आज। मैंने सोचा कि फेंकने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला मेरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।